हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आप अपना गैस का बिल फोन पे से कैसे पेमेंट करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो फिर चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको अपने फ़ोन पे ऐप में से लॉगिन कर लेना है। आपको बिल पेमेंट करने से पहले बिल पेमेंट करने के ऊपर क्या ऑफर है पहले आप उसको चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर ऑफर के बारे में जानने के लिए आप यहाँ होम पेज पे थोड़ी सी नीचे आपको ऑफर का एक आइकन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि अभी कौन सा ऑफर चल रहा है। आप ये हर बार कर सकते हैं तो फिर आप फायदे में रहोगे। यहाँ टॉप ऑफर सारे आ रहा है तो फिर मैं कैटेगरीज में चली जाऊँगी। कैटेगरीज में आपको यहाँ रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर जैसे आपका टाटा स्काई का कनेक्शन पे आपको पहली बार पेमेंट कर रहे तो 6 रुपये मिल रहा है, सॉरी 600 रुपीज़ मिल रहा है। बाकी गैस पाइपलाइन पेमेंट के ऊपर ऐसे कुछ ऑफर है नहीं अभी, तो फिर हमें डायरेक्ट ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर चलिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। आप यहाँ चेक कर लीजिएगा, कभी कभार ऑफर रहता है तो फिर अगर आपको कुछ ऑफर मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ एक इन्फॉर्मेशन के लिए, D2H पे आपको ऑफर मिल जाएगा, एयरटेल रिचार्ज पे आपको ऑफर मिल जाएगा, ये फ़ोन के लिए है, एयरटेल डिजिटल टीवी के लिए भी आपको ऑफर मिल जाएगा, 600 टाटा स्काई पे भी आपको ऑफर मिल जाएगा। बाकी सारे ऑफर यहाँ आप अपने फ़ोन में अपने चेक कर सकते हैं खुद से। अब हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं। तो फिर हम लोग आज जो गैस पाइपलाइन जो पोस्टपेड रहता है उसका बिल भरेंगे। तो फिर यहाँ देखिए रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स ऑप्शन है, यहाँ पर वो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। यहाँ बुक है सिलेंडर, जिन लोगों का सिलेंडर है उनके लिए है, और जिन लोगों का गैस पाइपलाइन है उनके लिए। यहाँ पर हम लोग सी ऑल पे क्लिक कर लेंगे। तो फिर यहाँ देखिए यूटिलिटीज़ में आ रहा है बुक है सिलेंडर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है पाइप्ड गैस, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो भी गैस प्रोवाइडर है उनका सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर ऊपर आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर आपका नहीं मिला है तो फिर आप नीचे भी चेक कर सकते हैं, नीचे भी बहुत सारे गैस प्रोवाइडर है, आप खुद से देख सकते हैं। तो फिर मेरा जो है इंद्रप्रस्थ गैस है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। तो यहाँ आपको बीपी नंबर भरना पड़ेगा। बीपी नंबर कौन सा है मैं बता देती हूँ। बीपी नंबर होता है बिजनेस पार्टनर नंबर, जो कि आपकी बिल के टॉप में शो कर रहा होगा, आपको उस नंबर को भर लेना है। ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं बिल की रिटेल इन्वेस्ट के नीचे वो शो कर रहा है, उसी नंबर को आपको भर लेना है। ये नंबर 10 डिजिट का होता है, इसको भर लेने के बाद आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बिल अमाउंट भी आ जाएगा। तो फिर आपका जो भी बिल अमाउंट होगा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपका GST 5 रुपीज़ पड़ रहा है। अब हम लोग सारे कार्ड और UPI में पेमेंट करने से कितना चार्जेस पड़ रहा है वो देख लेते हैं। पहले देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5 रुपये चार्ज पड़ रहा है, 984 बिल है उसके साथ आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो फिर नीचे देखिए 989 का अमाउंट आ रहा है। अब डेबिट कार्ड का देखेंगे तो हमारा डेबिट कार्ड में कोई भी फी इसके लिए नहीं पड़ रहा है। UPI पेमेंट देखेंगे, UPI पेमेंट में भी कोई भी फी आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो फिर आप UPI पेमेंट चूज कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड भी चूज कर सकते हैं। फिर आपको नीचे पे बिल पे क्लिक कर लेना है। अपना UPI पिन भर के पेमेंट कर लेना है।
ये देखिए गैस बिल पेड सक्सेसफुली, मैसेज आ गया, तो फिर बिल मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ में टेक दीप्ति को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।